हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको आज के वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ ओलिविया पैनकेक का। ओलिविया पैनकेक, इसमें ये ओलिविया पैनकेक जो है इसमें 12 शेड्स अवेलेबल है और ये काफ़ी अफोर्डेबल है और ये जो है काफ़ी अच्छा कवरेज देता है। अभी भी मैंने अपने फेस पे वही अप्लाई किया है और आज की वीडियो में मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगी, प्लस हाउ टू अप्लाई दिस पैनकेक ऑन योर फेस वो भी बताने वाली हूँ। ओलिविया पैनकेक जो है ये 12 शेड्स में अवेलेबल है। आपको सिर्फ आपका करेक्ट स्किन टोन से मैच होने वाला पैनकेक आपको परचेस करना है। ये वाटरप्रूफ होने के कारण ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी देता है फेस पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लैक और गोल्डन कलर में है ये, इसके साथ एक स्पॉन्ज मिला है बट काफ़ी हार्श होगा स्किन पे अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो। और इसके बाद ये एक कवर है, उसके बाद इस तरीके से ये पैनकेक है। इसका शेड, मेरा जो शेड है वो है नेचुरल हनी। इसके बैक साइड में मेंशन किया है कि आपको ये पैनकेक जो है ओलिविया पैनकेक स्पॉन्ज, डैम्प स्पॉन्ज यूज़ करके आपको आपके फेस पे अप्लाई करना है। मैं अपना स्पॉन्ज यूज़ करके इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने फेस पे कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है तो मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप अपना स्पॉन्ज पानी में थोड़ा सोक करके रखिए 2-3 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप इसे अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए, इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल आएगा। मैं ओलिविया पैनकेक अप्लाई करने से पहले मैं अपना फेस मॉइस्चराइज करूँगी मॉइस्चराइज़र से, बिकॉज पैनकेक जो है वो काफ़ी ड्राई कर देता है स्किन को, इसलिए मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। और मॉइस्चराइज करने के बाद आप पैनकेक यूज़ करते हो तो वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा आपके फेस पे। फिर आप डैम स्पॉन्ज से ये ओलिविया पैनकेक लीजिए स्पॉन्ज पे। और फिर इसे आप अप्लाई कीजिए। जस्ट आपको इसे लेके सिर्फ आपके फेस पे टैप करना है। मॉइस्चराइज़र के कारण ये जल्दी जल्दी ब्लेंड होता है, अदरवाइज़ अगर आप विदाउट मॉइस्चराइज़र इसे अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाएगी। और जो कि आप देख सकते हैं ये भी ऐसा काफ़ी ड्राई है, तो आप जो है पहले मॉइस्चराइज़ करिए और उसके बाद ही आप इसे अप्लाई करिए। देख सकते हैं ना मेरे फेस पे कोई ऑयलीनेस दिख रही है, ना ड्राइनेस दिख रही है, काफ़ी अच्छा ग्लो है ये। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको फाउंडेशन, कंसीलर कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आप। सो फ्रेंड्स, ये था आज ओलिविया पैनकेक का रिव्यू, फुल एप्लीकेशन ऑफ ओलिविया पैनकेक। आप इसे ज़रूर परचेज करके देखिए, ये काफ़ी अफोर्डेबल है फ्रेंड्स। ये वाटर प्रूफ है इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और इसमें 12 शेड्स अवेलेबल है। आप अपने स्किन टोन से मैच होने वाला शेड परचेस करके आप इसे अप्लाई करके देखिए, ये काफ़ी अच्छा है। और इसका ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसमें मिरर नहीं है और इसका स्पंज अच्छा नहीं है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई टूडेज वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल शिमरिंग श्रद्धा, हिट दैट लाइक बटन एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।